नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ए कैड डिज़ाइनिंग में। यह है ऑटो कैड 2D ड्राफ्टिंग एक्सरसाइज नंबर 29। तो यहाँ पे हमारे सामने एक डायग्राम है। इस वीडियो में हम इस डायग्राम को ड्राफ्ट करेंगे ऑटो कैड में। इस डायग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। सबसे पहले हम डायग्राम को एनालाइज करेंगे अच्छी तरह से, और इसके कौन कौन से डायमेंशन मिसिंग है, हम इसे कैसे अचीव करेंगे वो हम फर्स्ट एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम बेस पॉइंट के साथ यहाँ से स्टार्ट करेंगे। रेडियस 10 और डाया 10 के यहाँ पे दो सर्कल्स ड्रॉ करेंगे, और यहाँ से हमें सेंटर टू सेंटर एक आर्क की तरह हमें डिस्टेंस दे दिया गया है 65। ये आर्क डिस्टेंस देने का एक मतलब है, क्योंकि हमें सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस एक लीनियर डायमेंशन के साथ भी मेंशन यहाँ पे मिल जाता था, लेकिन जिस प्रकार से हमें यहाँ पे सेंटर जो मार्क है यहाँ पे 65 दिया है, उसका रीज़न ये है कि सेंटर के साथ हम रेडियस 25 का और एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, और यहाँ से टेंजेंट लाइन हम ड्रॉ करेंगे। लेकिन यहाँ पे R8 का जो सर्कल है, यहाँ पे दो जो आर्क बनेंगे उसकी रेडियस हमें यहाँ पे मेंशन नहीं की है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम अगर सेंटर तक आर्क बनाते हैं R8 के साथ, तो ये रेडियस 65 है, और रेडियस 8 के जो क्वाड्रेंट पॉइंट्स है उसके लिए भी हम आर्क बनाना है, तो उसका सेंटर पॉइंट सिमिलरली यहीं पे होगा जो हमने यहाँ पे बेस पॉइंट चूज़ किया है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे कोई भी रेडियस डायमेंशन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर मान लीजिए यहाँ पे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस यानी कि हॉरिजॉन्टल लीनियर डायमेंशन हो जाता 65 यूनिट, तभी भी हमें यही मेथड फॉलो करनी थी कि यहाँ से हम सेंटर तक आना है 65, और यहाँ से क्वाड्रेंट पॉइंट तक ही हमें यहाँ पे आर्क ड्रॉ करनी है। यहाँ पे रेडियस की वैल्यू देने का इंटेंशन यही है कि हमें पता चले कि ये जो आर्क है ये इसी बेस पॉइंट से यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे ड्राफ्ट करने के लिए। तो सबसे पहले लेते हैं सर्कल कमांड, सी एंटर, और यहाँ से हम सेंटर पॉइंट चूज़ करेंगे। लेते हैं डी फॉर डायमीटर 10। सिमिलरली रिपीटेड कमांड, सेम सेंटर के साथ रेडियस 10 का और एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अब लेते हैं सर्कल कमांड फिर एक बार, और सेम सेंटर के साथ हमें जो रेफरेंस दे दिया गया है रेडियस 65 का और एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अब लेते हैं फिर एक बार सर्कल, और इस क्वाड्रेंट पॉइंट से हमें रेडियस 25 का एक सर्कल ड्रॉ करना है कुछ इस प्रकार से। अब लेते हैं ट्रिम टूल, डबल एंटर करेंगे, और बड़े वाले सर्कल का अनवांटेड पोर्शन जो है हम यहाँ से ट्रिम कर लेंगे, ताकि हमारे डायग्राम जो है क्लियर हो, कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अब लेते हैं फिर एक बार सर्कल कमांड, और सेम सेंटर के साथ जो प्रीवियस सेंटर लिया था हमने, और यहाँ पे हम मेंशन करेंगे रेडियस 8 का सर्कल। अब लेते हैं लाइन, और आउटर सर्कल्स को हमें टेंजेंट लाइंस ड्रॉ करनी है। तो लेते हैं TAN स्नैप पॉइंट इस सर्कल के लिए, फिर एक बार TAN टाइप करेंगे, और इस बड़े वाले सर्कल को यहाँ पे टेंजेंट पॉइंट दे देंगे। हमें बॉटम में भी एक टेंजेंट लाइन चाहिए, तो सिंपल हम इसी लाइन को हम मिरर कर देते हैं सेंटर एक्सिस के साथ, जो हमारा एक्सिस हॉरिजॉन्टल रहेगा कुछ इस प्रकार से हम इसे बनाएंगे। नेक्स्ट, अब हमें ये जो दो आर्क्स है रेडियस 8 के सर्कल के क्वाड्रेंट पॉइंट से यहाँ पे बनती है, उसे हम ड्रॉ करेंगे। तो सिंपल आप चाहे तो इस सेंटर पॉइंट के साथ यहाँ पे दो सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं, और ये जो हमने सेंटर मार्क बनाए हैं उसे हम चाहे तो यहाँ पे ऑफसेट कर सकते हैं 8 यूनिट के साथ। तो जो आपको मेथड अच्छी लगे उसे आप फॉलो करें। लेते हैं सर्कल टूल, और यहाँ से हम इस क्वाड्रेंट पॉइंट तक, सिमिलरली सेम सेंटर के साथ इस क्वाड्रेंट पॉइंट तक हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद इन दो सर्कल्स को आप ट्रिम कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से हमारी प्रोफाइल यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगी। सिमिलरली इसे हम इरेज कर देते हैं, और देखते हैं एक डिफरेंट मेथड ऑफसेट टूल के साथ। लेते हैं ऑफसेट टूल, और यहाँ पे डिस्टेंस मेंशन करेंगे 8, और इस आर को यहाँ पे 8, और लेफ्ट राइट साइड में हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, ताकि हमें जो आर्क यहाँ पे है परफेक्टली मिल जाएगी। जो मेथड आपको अच्छी लगे, जो आप फास्ट कर सकते हो, उसे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अब लेते हैं ट्रिम टूल, डबल एंटर करेंगे, और जो अनवांटेड एजेस जो है उसे हम यहाँ पे 1 by 1 ट्रिम कर लेंगे। मेक श्योर कि हम परफेक्टली एंटिटीज ही यहाँ पे ट्रिम कर रहे हैं। अनवांटेड एंटिटीज हम यहाँ से इरेज कर लेंगे, और हमें सर्कल्स को यहाँ से ट्रिम करना है कुछ इस प्रकार से। अब ले लेते हैं फिलेट टूल, और यहाँ पे देखिए रेडियस
10 और रेडियस 5 की फिलेट से। एफ एंटर करते हैं, फर्स्ट लेते हैं रेडियस 10 और इस टेंजेंट लाइन और इस आर्क को हमें यहाँ पे फिलेट करना है। सिमिलरली फिर एक बार फिलेट टूल लेते हैं, इस बार रेडियस सेट करेंगे 5 यूनिट के लिए और आउटर सर्कल और सेकेंड आर्क को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे हमारा आउटर लाइन वर्क कम्प्लीट हो चुका है। सिंपल हम आउटर लाइंस को जो है यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से लाइन वेट बढ़ा देंगे इसके 0.30 के साथ। अब लेते हैं सेंटर मार्क और सिंपल इस सर्कल को सेंटर मार्क देते हैं। यहाँ पे हम सेंटर मार्क नहीं देंगे क्योंकि हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ही यहाँ पे सेंटर के लिए देनी है। तो लेते हैं लाइन टूल और इस क्वाड्रेंट पॉइंट के बाहर से अप्रोक्सीमेट इस प्रकार से हम सेंटर मार्क यहाँ पे दे देंगे। अब इस सेंटर मार्क को हम मैच प्रॉपर्टीज कर देते हैं कुछ इस प्रकार से। अब इन्हें हम कलर देते हैं, जो आपको पसंद हो वही आप कलर यहाँ पे दे सकते हैं। हमारा लाइन वर्क कंप्लीट हो चुका है। अब देते हैं डायमेंशंस। तो यहाँ पे लीनियर डायमेंशंस है नहीं है, लेते हैं डायमेंशन रेडियस 25, यहाँ पे रेडियस 5, फिलेट वैल्यू देते हैं रेडियस 10, रेडियस 8, आउटर सर्कल के लिए रेडियस 10 और यहाँ से इस सेंटर पॉइंट के लिए हम देते हैं यहाँ पे रेडियस 65। आप चाहे तो बॉटम में या फिर जहाँ पे आपको सूटेबल प्लेस मिले या फिर सूटेबल जगह मिले वहाँ पे आप डायमेंशन प्लेस कर सकते हैं। अब लेते हैं डायमेंशन डायमीटर और यहाँ से इनर सर्कल को हम देते हैं डायमेंशन डायमीटर। मेक श्योर कि हमने सारे डायमेंशन यहाँ पे कवर कर लिए हैं। आई होप कि सारे स्टेप्स और सारे कमांड आपके समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो बेशक मुझे कमेंट कीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद।